भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। याद रखिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 12 सितंबर यानी कि आज का राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 12 सितंबर 2020 को शनिवार है। आज के विशेष उपाय में मैं कुंडली विश्लेषण में शिक्षा में संघर्ष के बारे में इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, देखिएगा जरूर। संवत 2077 का आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है, प्रथम आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज दसवीं तिथि है और श्राद्ध पक्ष में आज दसवीं तिथि का ही श्राद्ध होगा। आद्रा नक्षत्र है शाम को 4:24 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। आइए अब बात करें राहुकाल की। प्रातः काल में 9 से लगा करके 10:30 तक राहुकाल रहेगा। इस समय तक प्राय कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है, लेकिन अब मैं जो मुहूर्त बता रहा हूँ शुभ चौगड़े मुहूर्त, उसमें सभी शुभ कार्यों का आरंभ किया जाता है। वह मुहूर्त है प्रातः काल में 7:56 से लगा करके 9:26 तक और फिर वापस दोपहर में 1:56 से 4:56 तक। आइए अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना सुगद है, शुभ है, या ये बोल सकते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। वहीं आज के दिन पूर्व दिशा में दिशा सूल रहने से यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर भी यात्रा करना जरूरी हो तो उड़द का उपयोग करके आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं, ये दिशा सूल का परिहार होगा। आइए अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या योग, गजकेश्वरी योग, सुनफा योग, उभयचर योग, सम योग, लक्ष्मी योग, राजयोग, हर्ष योग, इन सब योगों का साथ मिलेगा। आपकी कुंडली में भी राजयोग हो सकते हैं, आपकी कुंडली में भी बहुत बड़े बड़े योग हो सकते हैं, बशर्ते आपके पास में राजयोग की कुंडली हो और उनका विवरण आपके पास में हो कि कौन से योग का क्या फल आपको मिलेगा और कौन सी दशा में फल मिलेगा। यह सब कुंडली की स्ट्रेंथ होती है जो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मालूम होना चाहिए कि उसकी कुंडली में कितना बल है, कितना स्ट्रेंथ है, कितने राजयोग है। आइए अब बात करते हैं 12 सितंबर 2020 के आज के राशिफल की, दैनिक राशिफल की, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा मौजूद है, यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार भी अधिमित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह स्थिति भी पॉजिटिव है। अष्टावक्र में 28 हैं, ये भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। 100% ये चंद्रमा आपके लिए बेटर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली एसेट्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए और या फिर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप जो भी एफर्ट करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अपनी खुद के कामकाज के लिए, अपनी संतान के कामकाज के लिए, अपने छोटे भाई बहनों को सेटल करने के लिए आप जो भी एफर्ट करेंगे वो भी एफर्ट आपको सक्सेसफुल रहेंगे। शत्रुओं के खिलाफ आपको कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको छोटा सा प्रयास ही उनको डाउनग्रेड कर देगा, उनको कंट्रोल में कर देगा। आज आपका धैर्य, आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी, आपके सर्कल में इंप्रूवमेंट करेगी, या ये बोल सकते हैं कि सर्कल से आप फायदा उठाएंगे, अपनी जान पहचान से आप फायदा उठा करके अपना काम निकलवाएंगे। जो लोग युवा हैं उनको फ्रेंड के साथ में बहुत घूमने फिरने में आनंद आएगा और जिनके पास में फ्रेंडशिप नहीं थी उनके हाथ थामने के लिए भी कोई ना कोई आज के दिन आपको मिलने वाला है। आज भावुकतावश अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में या अपने संतान के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे या उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है 5। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा मौजूद है, यह चंद्रमा राहु के साथ में और पराक्रम भाव का अधिपति है, तो एक प्रकार से पराक्रम और धन संपत्ति का यहां पर योग हो जाता है।
राहु भी उच्च राशि के हैं और ये राहु 23 सितंबर को चेंज हो जाएंगे, आपकी राशि में ही आ जाएंगे। तब आप और ज़्यादा बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग भी कर पाएंगे या आपके आइडियाज़ व्यूज़ वो सब के सब काम करेंगे। बुध धन और संपत्ति भाव के अधिपति हैं, वो उच्च राशि के हैं, इसका भी आज के दिन आपको फायदा मिलेगा। जिस भाव में चंद्रमा है उस भाव का अधिपति भाव से भावेश बलवान होता है, वो स्थिति का यहाँ पर आपको फल मिलेगा। तो राशि से सेकंड हाउस में जब चंद्रमा होता है तब धन और संपत्ति में, मान और सम्मान में, नए उद्यम में या जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और गेन मिलेगा। हालांकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे लेकिन वो एक्सपेंसेस आपको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस होंगे या अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, लोगों को भेजना पड़ता है इधर इधर, लॉबिंग करनी पड़ती है अपना पराक्रम बनाने के लिए भी या अपना पराक्रम बताने के लिए भी, पार्टीबाजी करनी पड़ती है, वो सब एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के लिए ही है। बच्चों के साथ में, जीवन साथी के साथ में अच्छा टाइम पीरियड भी स्पेंड होगा या उनके साथ में कहीं ना कहीं पारिवारिक मित्र के यहाँ या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आज के दिन जाना आना हो सकता है। राशि से सेकंड भाव में जब भी चंद्रमा होता है व्यक्ति के अंदर पाप में प्रवृत्ति आ जाती है, लालच आ जाता है, उस लालच के वशीभूत होकर के वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं, इसका आपको सावधानी रखनी चाहिए। गलत लोगों के चंगुल में आकर के अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है ना अपना पैसा बर्बाद करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बहुत सावधानी के साथ में समय पार करने की एक प्रकार से सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा में भी ऑब्स्टेकल्स आना, शिक्षा में हानि का योग भी है। और शिक्षा में हानि क्या हो सकती है, आप कोई गलत ऐसा काम करें, गलत ऐसा आचरण करें कि आपको एग्जाम देने से ही रोक दिया जाए, वो स्थिति आ सकती है, इसलिए बचने का प्रयास करें। राशि से सेकेंड हाउस का चंद्रमा आँखों को लेकर के परेशानी कर सकता है, चाहे आँखों में कोई इन्फेक्शन आ जाए, आँख में चोट लग जाए या आँख लाल हो जाए, ऐसा हो सकता है। और बहुत से मामलों में आपको कहीं ना कहीं चिंता भी सता सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज का लकी कलर है ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि भाव में ही फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ होती है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा, कल्याणकारी तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह स्थिति भी बहुत ज्यादा सुखद है। अष्टवर्ग में 31 डॉट है, यह स्थिति बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है। ऐसी स्थिति में सब मिला करके 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए बलवान बना हुआ है, आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। आपकी राशि भाव का अधिपति ही बुध उच्च राशि का है और आपके राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है जो कि धन और संपत्ति भाव का अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में सुख और धन और संपत्ति दोनों का लाभ आपको मिलने वाला है। राशि से फर्स्ट चंद्रमा होने के कारण आपको इनकम मिलेगी, आपको गेन मिलेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में हो या और किसी ढंग से आप पैसा कमा पाएं अपनी एक्स्ट्रा अप्रोच से, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से, वो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। हालांकि आज शनिवार है, बहुत सी जगह पे मार्केट नहीं खुले होंगे, लेकिन जहाँ मार्केट खुले हुए हैं, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कमा सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम, वहाँ लोग इस समय का फायदा उठा सकते हैं। अर्थात स्पेकुलेशन में, शेयर में, कमोडिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत ढंग से इन्वेस्टमेंट करना है या मैं आपको गलत सलाह दे रहा हूं कि आप जुआ खेलिए। जो लोग इस काम में आगे बढ़े हुए हैं मैं उनको सही जो टाइम पीरियड है जहां पर गेन हो सकता है वो मैं सलाह दे रहा हूं कि आप रोजाना खेलते हैं इसकी जगह पे जो टाइम पीरियड आपके लिए प्रॉपर है, जो टाइम पीरियड में आपको गेन हो सकता है, वहां पर यदि आप एक्टिव रहेंगे तो आपको गेन मिल सकता है। आज आपके लिए जानकारी भी अच्छी मिलेगी, आपको प्लानिंग भी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ मार्केट की अंदर की जानकारी आज आपको मिल सकती है, टिप्स मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कैरियर फील्ड है। शुभ संयोग आपको उपस्थित होंगे, या ये बोल सकते हैं कि जो बड़े लोग जिनसे आपको जान पहचान बढ़ानी है या जिस सर्कल में आपको गेन कमाना है उस सर्कल से मिलने का सौभाग्य मिलेगा, सर्कल में इंप्रूवमेंट आएगा, सर्कल में वृद्धि होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, उन लोगों को आज पब्लिक मीटिंग करने में या जन व्यवहार में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, जहां पर भी जाएंगे आपका वेलकम होगा और साथ ही साथ आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। संपत्ति, वाहन सुख के लिए या उपहार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यदि कोई ट्रैवल प्लान है तो वो ट्रैवल प्लान आपके लिए सुखद रहेंगे और
रोगों से राहत का आज का दिन आपके लिए है, अर्थात आज आपका एनर्जी लेवल और आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बहुत बलवान रहेगा, बहुत हाई लेवल पर रहेगा। और राशि से पहला चन्द्रमा, ठीक साथ ही आज के दिन सांसारिक सुख सुविधाएं और पूर्ण ग्रह सुख आपको मिलने वाला है, भरपूर नींद आज आप लेने वाले हैं। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में आपकी राशि से एक्सपेंसेस भाव में चन्द्रमा विराजमान है, जो कि आपकी राशि के अधिपति है। और जिस राशि में चन्द्रमा है उस राशि का अधिपति बुध भी उच्च राशि का है। ऐसी स्थिति में राशि से 12 चन्द्रमा होने के बावजूद भी काफी कुछ आपको राहत मिलने वाली है। और यों भी नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है, जो स्थिति सुखद है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट है, जो कि पर्याप्त से कहीं ज्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में 67% ये चन्द्रमा आपको बचाएगा, 33% आपको फेस करना होगा नेगेटिविटी को। राशि से 12वां चन्द्रमा व्यक्ति को डिप्रेसिव थॉट देता है, नेगेटिविटी देता है, एंग्जाइटी देता है, या ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये करूं या नहीं करूं। ऐसी उधेड़ बहन में ऐसी कश्मकश में व्यक्ति फंस जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है और जहां पर इन्वेस्टमेंट करता है वहां पर उसे गेन होने की जगह पर लॉस हो जाता है। जो भी अप्रोच करता है, जहां पर भी मिलने जाता है, वहां पर भी कोई न कोई व्यक्ति उसका सहारा नहीं बनता। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति चिंता में आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल किए हुए रहता है। कोई भी नेगेटिव स्थिति आएगी उसके बावजूद भी आपके दिमागी घोड़े कंटिन्यू चलते रहेंगे। आज के दिन यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और वहीं आज के दिन आपको नींद भी बहुत प्रॉपर नहीं आने वाली है, क्योंकि थॉट प्रोसेस आज के दिन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए आधी रात तक या ये बोल सकते हैं करवटें बदल बदल के रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत साउंड स्लीप आने की स्थिति आज आपकी नहीं है। जो भी खाना पीना बनेगा वो भी आप बिना इंटरेस्ट के सर पेट भरने के लिए आज खाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। फिर भी राहु उच्च राशि का है, राहु 12th हाउस में है और जो चन्द्रमा है वो भी 12वें घर में होने से राहु और चन्द्रमा मिल करके आपको सिर्फ विचारशील बना देंगे, अर्थात कहीं न कहीं आप अंदर से दुखी और भयभीत भी नजर आएंगे। आज का लकी कलर है रेड कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में चन्द्रमा विराजमान है, राहु भी उच्च राशि के हैं और चन्द्रमा भी वहां पर राशि से 11th हाउस में, बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार आज वध तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये नेगेटिविटी अपनी दिखाएगा या आपको डिस्टर्ब करेगा। अष्टक वर्ग में 24 डॉट है, जो पर्याप्त से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 67% ये चन्द्रमा बेटर है, 33% आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 100% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन आपको इनकम मिलेगी या आय में वृद्धि होगी, वो और जो वृद्धि होगी वो आपके मन मुताबिक नहीं होगी, उसमें से कुछ कमी जरूर आएगी, क्योंकि 67% ही आज के दिन आपको चन्द्रमा की स्ट्रेंथ मिलने वाली है। जो भी आपका बिजनेस है उसमें भी प्रोग्रेस देखने की मिलेगी, जो भी एफर्ट करेंगे उसमें भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ कमी के साथ में। और इसके साथ में यदि कुछ भी आपको जुडिशरी मैटर में, कोर्ट कचहरी के मैटर में अप्लाई होना है, अपियर होना है, तो आज के दिन थोड़ा सा देखभाल करके अपने आप को अपियर करें, क्योंकि आज के दिन जो कॉन्फिडेंस के साथ में स्थिति है वो नहीं है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप डेट को आगे बढ़ा सकते हैं तो डेट को आगे बढ़ाना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। शत्रुओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स के साथ में गेम खेलने के लिए, उनसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, उनसे पार पाने के लिए, बहुत बड़ी प्लानिंग करने के लिए या उनको डाउन करने के लिए आज के दिन जो भी आप स्कीम बनाएंगे वो आपके लिए सही रहेगी। फाइनेंशियली गेन, मनी कलेक्शन आज के दिन आपका हो सकता है, इसलिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। जो युवा हैं उनको अपने फ्रेंड के साथ में मिलने में या घूमने फिरने में मजा आएगा, और साथ ही साथ आम लोगों को भी, अपने मित्रों और जो परिवारजन हैं उनसे मेल मुलाकात का मौका मिलेगा। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कैरियर हाउस में चन्द्रमा विराजमान है, जो कि शुभ बोला जाता है, सुखद एहसास वाला बोला जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार क्षेम तारा या कल्याणकारी तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये स्थिति भी पॉजिटिव है।
अष्टक वर्ग में 27 डॉट है, ये स्थिति भी आपको सपोर्ट कर रही है। 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि जिस राशि में चंद्रमा है उस राशि का अधिपति भी उच्च राशि का है, क्योंकि आपकी राशि ही कन्या राशि है। राहु भी यहाँ पर उच्च राशि के हैं, बृहस्पति स्वराशि के हैं, शनि स्वराशि के हैं, मंगल स्वराशि के हैं, सूर्य स्वराशि के हैं, ऐसी सारी स्थितियों के कारण। और भाग्य शुक्र यहाँ पर राशि से 11th हाउस में, जो कि धन और संपत्ति का स्वामी भी है, ऐसी स्थिति में आपके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आने वाले कंटिन्यू 4 दिन तक अर्थात 15 तारीख की दोपहर को 2:25 तक कंटिन्यू आपके लिए चंद्रमा बेटर बना हुआ है, आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आपको एफर्ट करना चाहिए। व्यापारिक लेन देन में, सौदेबाजी में या डीलिंग में आपको फायदा मिलेगा। जो लोग राजनीति में हैं, समाज कल्याण के क्षेत्र में, उनको सफल लोक संबंध बनाने में आज के दिन सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, और इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी पार्टी का नाम ऊंचा होगा, आपके काम में आज के दिन आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं आप डीप नॉलेज लेने की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के दिन कुछ योजनाएं भी बन सकती है, लेकिन अधिकार आज के दिन आपको बढ़ जाएंगे, या अधिकार की स्थिति आज आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो जाएगी। जो भी लोग वृद्ध हैं, या जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, जो लोग कुंडलिनी जागरण करने वाले हैं, या वे लोग जो कि दैनिक पूजा पाठ करते हैं, उनको आज के दिन सुखद एहसास होगा, इष्ट सिद्धि की स्थिति उनके लिए आ जाएगी। आज का लकी कलर है ग्रे कलर, और आज का लकी नंबर है 4। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह स्थिति पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट है, जो कि पर्याप्त से ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए बेटर बना हुआ है, और 33% आपको फेस करना पड़ेगा, या एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो राशि से 9th हाउस में जब भी चंद्रमा होगा, रोगों का सामना हो सकता है, या पुराने रोग उभर करके आपको तकलीफ दे सकते हैं। संतान के साथ में बातचीत हो सकती है, उनके फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग हो सकती है, और वो प्लानिंग आपको कहीं के चिंता में डाल सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट को लेकर के, या उनकी अपनी लाइफ में एक प्रकार के रिस्क को लेकर के। अपने बिजनेस में बहुत बड़ी डील को लेकर के बचना चाहिए, या उसको पोस्टपोन करना चाहिए अगले दिन तक, क्योंकि 10:35 से आपके लिए चंद्रमा बदल जाएगा कल की तारीख में 13th को। वहाँ से 4 दिन तक कंटिन्यू आपके लिए बेटर टाइम रहेगा, अर्थात 15th की दोपहर को 2:25 तक आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा शानदार फायदा ले सकते हैं, बहुत बेटर टाइम पीरियड का आप लाभ उठा सकते हैं। ये आपके हाथ में, क्योंकि राशि से 9th हाउस का चंद्रमा जो 10th हाउस से, उससे द्वादश भाव होता है, एक्सपेंसिव भाव होता है, डिस्ट्रॉय भाव होता है, इसलिए बिजनेस के लिए राशि से नवा चंद्रमा बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बोला जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए, आस्था के लिए, या तीर्थ यात्राओं के लिए, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए ये जो चंद्रमा होता है ये सुखद एहसास है, अतः धर्म का अधिपति चंद्रमा राशि को 9th हाउस बोला जाता है। इसलिए आप जो भी धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहें, आज के दिन तर्पण करना चाहें, श्राद्ध का आयोजन करना चाहें, या कोई तीर्थ स्थान पर जाकर के दान धर्म या पुण्य करना चाहें, उसके लिए आज का चंद्रमा बहुत अच्छा है, और आपके एक्सपेंसेस भी उन्हीं कार्यों में होने वाले हैं। आज आपको हेल्थ में कहीं ना कहीं कमजोरी का एहसास सा होगा, वहीं सैटरडे होने के बावजूद भी सरकारी अधिकारियों से कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपना बचाव करके रहना चाहिए, या सेफ्टी मेजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे। जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वीक हार्ट पेशेंट हैं, ऐसी स्थिति में आपको छाती में दर्द या दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों के फालतू में आज काम करने पड़ सकते हैं, जिसे बेकार कहा जाता है, अतः लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन जान पहचान है, इसलिए कई बार हमको अप्रोच करनी पड़ती है, कई बार लोगों के काम करने पड़ते हैं। आज के दिन प्रतिष्ठा में और साथ ही साथ धन में आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा दोनों में लॉस हो सकता है। आज का लकी कलर है चॉकलेट, और आज का लकी नंबर है 2। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। राशि से 8th हाउस का चंद्रमा कभी शुभ रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है।
अष्टक वर्ग में 36 डॉट है, अर्थात जो पर्याप्त संख्या होती है उससे जस्ट डबल है। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आपको डाउन नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा। 67% ये चंद्रमा राशि से 8th हाउस का होने के बावजूद भी आपको बचा रहा है, 33% आपको वीकनेस का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में वीकनेस क्या आ सकती है जो कि 33% ही है, वो आपको चोट या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, अपने जीवन साथी से मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, या ससुराल वालों के साथ में आज कोई न कोई बात पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हो सकती है, या फिर पारिवारिक आपको कलह और क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। इन सारी स्थितियों से आप खुद बच सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये स्थिति आज आपके सामने आने वाली है। आप प्रैक्टिकल होकर के इसका सामना करना पसंद कर सकते हैं और या फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। अनहोनी या विपत्ति से आपका सामना हो सकता है, और साथ ही साथ कोई न कोई पुलिस कंप्लेंट या ऐसी स्थिति से भी आपका सामना हो सकता है। हो सकता है कोई छोटा बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाला भी जो नहीं माने पैसा देने से भी ऐसी स्थिति में पुलिस कंप्लेंट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के दिन 67% आपका बचाव होना है, अर्थात मैक्सिमम जो सिचुएशन है वो स्थिति आपके सपोर्ट में है। लेकिन फिर भी आपको भयभीत होना पड़ सकता है, और साथ ही साथ पेट या पाइल्स के रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, कहीं के सर में चोट या सर में बहुत ज़्यादा दर्द का आज आपको सामना करना पड़ सकता है। राशि से 10th हाउस में सूर्य है, जो कि 16 सितंबर तक आपको बहुत ज़्यादा बचाने का काम भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है। स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए ये सूर्य बहुत ज़्यादा कमाल का है, आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, या ये बोल सकते हैं आप अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले। आज का लकी कलर है पिंक कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद होती है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार भी संपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट है, ये पर्याप्त से ज़्यादा अच्छे हैं। 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए शुभ बना हुआ है, बलवान बना हुआ है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में, चाहे वो पार्टनरशिप में है या कोई भी बिजनेस का लेन देन करना चाहते हैं, सौदेबाजी करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, उनके लिए आज बहुत ज़्यादा बेटर चंद्रमा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा गेन के चांसेस हैं। रिसोर्सेज से आज आपको गेन भरपूर मिलेगा, और साथ ही साथ रिसोर्सेज और ज़्यादा डेवलप भी होंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हों, शेयर में या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हों, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हों, उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज में गेन जरूर मिलने वाला है। अर्थात फाइनेंशियली आज का दिन बहुत ज़्यादा सुखद है, और आज आपकी जो इच्छाएं हैं वो काफ़ी हद तक पूरी होने वाली है, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो सकती है, चाहे वो ग्रस्त सुख से संबंधित हो सकती है, सांसारिक सुख या भौतिक सुख से संबंधित हो सकती है, ये सारी इच्छाएं आज आपकी पूरी होने वाली है। इसके साथ जो लोग साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उन लोगों को साहित्य का ज्ञान मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या बहुत ज़्यादा लर्ने आदमी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, और कई घंटों की मुलाकात आपको एक प्रकार से तृप्त कर सकती है, जो आपको इच्छाएं थी कि मैं ये ज्ञान हासिल करूं, या कोई पुस्तक आपको मिल सकती है, कोई फाइल आपको मिल सकती है, कोई अखबार में बहुत अच्छा आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा आगे तक सोचने पर मजबूर कर सकता है, और या ये बोल सकते हैं कि थॉट प्रोसेस से, ध्यान से आज आपकी तृप्ति होने वाली है। आप परिवार का सुख और वाहन का सुख में आज आप बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। आज का लकी कलर है पर्पल कलर, और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है, यह स्थिति अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये ऑब्स्टेकल्स करने का काम करेगा, जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी करने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, ये स्थिति भी आपको सपोर्ट कर रही है। 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, 33% आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो राशि से 6th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है सौभाग्य में वृद्धि होती है, व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, वो खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद उठाता है, और साथ ही साथ उन्नति और फाइनेंशियल गेन, ये सब कुछ उसकी झोली में आकर के गिरता है।
रोग मुक्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए, या जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, उनकी खबर लेने के लिए, उनको सही करने के लिए, या उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आय और संपत्ति में वृद्धि होने के योग हैं, या ये बोल सकते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें गेन होगा, नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर सकते हैं, और या फिर ऐसा कोई बहुत बड़ी डील, ऐसा कोई चाहे वो संपत्ति की डील हो, प्रॉपर्टी की डील हो, वो डील हो सकती है, उससे भी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको फ्रेंड के साथ में घूमने में आज आनंद आएगा, और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी आज अपने फ्रेंड के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा व्यतीत होगा समय, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी कामनाएं पूरी होगी। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार विपत तारा का आपको साथ मिल रहा है, ये ऑब्स्टेकल्स देने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 31 डॉट है, यह स्थिति काफी ज्यादा बलवान है। आज का चंद्रमा अर्थात मिथुन राशि का चंद्रमा 50% आपके लिए बेटर है, और 50% आपके लिए वीकनेस है, या 50% खतरे की घंटी है। और वो 50% खतरे की घंटी कहाँ है? आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, जो रिलेशनशिप में है उन लोगों को आज के दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने पार्टनर से मिलने से बचें। चाहे आज का दिन सैटरडे का दिन है, सैटरडे पार्टी का दिन होता है, उसके बावजूद भी आज आपके लिए खतरा बिछा हुआ है, या ये बोल सकते हैं जानबूझ करके साजिश के तार आज आपके लिए खोल करके रखे हुए हैं। जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे उतना ज़्यादा बच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकार की आसक्ति आपको आज कहीं ना कहीं पनिश कर सकती है, प्रॉब्लम में डाल सकती है। सेकेंड चीज़ है कि आपको जुए से, सट्टे से, गैम्बलिंग से आज के दिन बचने का प्रयास करना है, अन्यथा आपका बहुत बड़ा लॉस आज के दिन हो सकता है। संतान के साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं आपको चिंता में जरूर डालेंगे, लेकिन बहुत बार आपको चिंता हो सकती है, लेकिन वो उनके विचार सही हो सकते हैं। हमेशा आप ही एक्सपीरियंस है, या आपकी मतलब उम्र बड़ी है इसका मतलब आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या अनुभव आपका बहुत काम का है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं है कि एक 20 या 21 साल का बच्चा बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, और एक 60 साल का व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल रहता है, ये भी स्थिति कहीं देखने में नहीं आती है। ऐसी स्थिति में अपने विचार अपने संतान पर थोपिए मत, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, या उनको भी अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए जो एफर्ट करना चाहते हैं वो एफर्ट उनको करने दीजिए। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कमाया हुआ बहुत ज़्यादा पैसा यदि लगा करके आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छे ढंग से, या ये बोल सकते हैं बीच का कोई रास्ता निकालिए, वो ज़्यादा सही हो सकता है। जो बिजनेसमैन है उनको आज के दिन बहुत बड़ी डीलिंग से या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। कोई भी मीटिंग करनी है, मीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मीटिंग के आज पॉइंट नोट कर लीजिए, उसके बाद में कल 10:35 के बाद में उनसे मीटिंग कर लीजिए तो वो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। क्योंकि कल सुबह 10:35 से चंद्रमा राशि से सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, वहाँ से कंटिन्यू 4 दिन तक आपके लिए चंद्रमा बेटर रहेगा। उस समय डील करना, उस समय लेन देन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, और ज़्यादा गेन वाली स्थिति रहेगी, अर्थात आपका पलड़ा वहाँ पर भारी रहेगा। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा प्राय व्यक्ति को दुख ही देता है, निराशा ही देता है, या अपमानित ही करता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत तारा का आपको साथ मिल रहा है, जो पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट है, ये आपको सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस बरकरार रखेंगे। इसके बावजूद भी 67% तक चंद्रमा पॉजिटिव है, 33% फिर भी आपको फेस करना ही होगा। तो राशि से फोर्थ चंद्रमा आपको अपनी फैमिली में ही डिस्टर्ब होने का मौका देगा। आप व्यर्थ में ही गुस्सा करके अपने आप को सेंटर में ले आएंगे और सारी उंगलियां आपकी तरफ मुड़ जाएगी कि आपने ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया, आप ही ये सब बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रैक्टिकल होकर के साइड में होना चाहिए, अपने दिमाग का यूज़ करिए, प्रैक्टिकल होकर के आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से, पारिवारिक जो एक पास कलह और क्लेश है उससे बच सकते हैं, ये आपके हाथ में। भूमि भवन और वाहन की आज चिंता आपको सता सकती है, ठीक है, हो सकता है किरायेदार आपको परेशान कर रहा हो, और या फिर आपकी ज़मीन पर फालतू लोगों ने आकर के कुछ सामान डाल दिया हो, ऐसी स्थिति से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। जो आपके घर के बुजुर्ग हैं या समाज के बड़े लोग हैं
उनसे भी आज आपको कुछ न कुछ सुनने का मौका मिल सकता है, वो भी आपको डाउनग्रेड करने का प्रयास नहीं छोड़ेंगे। जो लोग अफेयर में हैं, जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं, रिलेशनशिप में, उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। वो व्यर्थ में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके संदेह की स्थिति में आ सकते हैं या एक दूसरे के प्रति संदेह जता सकते हैं, जो कि आपकी दोस्ती को, आपके रिलेशन को तोड़ सकता है। हेल्थ के मामलों में आज का दिन अच्छा नहीं है। आपको छाती में दर्द, सीने में दर्द, पेट का दर्द या फिर बैक पेन आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन कोई सामान गुम हो सकता है या कोई सामान चोरी हो सकता है, उसके भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और ये सावधानी रख करके आप मैक्सिमम तौर पर सेफ हो सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं, या आपके हाथ में ज़्यादा है। आज का लकी कलर है मैंगो कलर और आज का लकी नंबर है 7। आइए अब बात करते हैं आज की समस्या और समाधान सेगमेंट की। उसमें कुंडली ले रहे हैं शिक्षा में संघर्ष का उनका क्वेश्चन है। वो लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैंने विदेश में शिक्षा के लिए एडमिशन लिया था लेकिन लॉकडाउन के कारण जा नहीं पाया। वहाँ का वातावरण भी बहुत ठंडा है और जीवन में सफलता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए इनकी कुंडली में समस्या का समाधान करते हैं। आपको इनकी कुंडली साइड में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी और इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका जन्म लग्न मिथुन है। लग्नेश और चतुर्थेश एक ही ग्रह है बुध, वो आपकी राशि से या आपकी जन्म कुंडली में 8वें भाव में स्थित है। और वहीं पंचम भाव अर्थात बुद्धि भाव का स्वामी ग्रह शुक्र सप्तम भाव में त्रिकेश सूर्य धनेश चंद्रमा और अष्टमेश शनि के साथ में स्थित है, युति है। विद्या कारक बृहस्पति भी 12वें भाव में अर्थात 12th हाउस में सप्तमेश और कर्मेश होकर के पीड़ित है। वर्तमान में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है लेकिन शनि के 22 जनवरी 2021 को नक्षत्र परिवर्तन करने से आपको राहत मिलेगी। 17 जनवरी 2023 तक तो शनि की 7.5 रहेगी, उसके बाद में निरंतर लंबे समय तक आपको उन्नति और प्रगति का साथ मिलेगा। वर्तमान समय में राहु और बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी आपको राहत प्रदान करेगा, सफलता प्रदान करेगा। इसलिए शनि के दान, जाप, उपाय आपको बहुत ज्यादा राहत देंगे, वो आपको निरंतर करना चाहिए। अच्छा होगा यदि आप शनि दोष निवारण के साथ साथ 10 महाविद्या कवच भी धारण करें। आपको गले में एक पन्ना और सफेद ओपल देवी के यंत्र सर्वोत्तोभद्र यंत्र के साथ में जड़वा करके धारण करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और स्पेशली आपकी एजुकेशन के लिए जो आप एब्रॉड में करना चाहते हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स निवारण के लिए या बाधा निवारण के लिए बहुत ज़्यादा उचित उपाय रहेगा। आप खुद क्या कर सकते हैं, नित्य देवी कवच का आप पाठ कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि 17 जनवरी 2023 तक संघर्ष के साथ में आपको उपलब्धि मिलेगी, इसलिए स्मूथ सक्सेस की आप आशा नहीं करें। विदेश अवश्य जाएं और वहां से सफलता लेकर ही आप लौटेंगे, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आपकी कुंडली बहुत बलवान है, यह समय जरूर आपके लिए परीक्षा का है और वो परीक्षा आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे हंसते हंसते दें या दुखी होकर के दें। यदि आपकी भी कोई समस्या है, क्योंकि ये जो समस्या समाधान का सेगमेंट है, जो जनरल आप लोगों की समस्या आती है, अतः शिक्षा से संबंधित बहुत से लोगों की समस्या आई है, तब हमने उसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पर कुंडली लेकर के आपको बताया कि किस ढंग से आप उपाय करके भी अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान जरूर होता है। इसलिए अपनी समस्याओं से लगातार फाइट मत करते रहिए, उनका समाधान ढूंढिए। आपके जीवन में भी समस्याएं हो सकती है, आपके जीवन में भी बहुत आकांक्षाएं हो सकती है, इच्छाएं हो सकती है। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सही दिशा में मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलेगा। अन्यथा फिर वही एक जहाँ से चले थे वहीं आकर के वापस खड़े हो गए और आपकी जिंदगी के बेहतरीन समय वो व्यर्थ में चला गया। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे आपकी अपनी जन्म कुंडली में क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है यह आपको पता चले। आपकी कुंडली में कितने योग हैं और उनका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा, कौन सी दशा चल रही है और आपको कौन से रत्न धारण करना सही रहेगा, और रत्न धारण करने से अच्छा है कि उसके पहले आप एक बार उपरत्न धारण कर लें, जिससे आपको उसकी राहत का अंदाजा मिल सके कि इस उपरत्न से यदि मुझे इतना सहारा मिला है तो मैं ओरिजिनल रत्न धारण करके और ज्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकता हूं। और ऐसी स्थिति में अपनी कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रोल जो चल रहा है उसमें जोधपुर ऑफिस के लैंडलाइन नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है,
उस पर सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है, एक टाइम स्लॉट बुक करना है, और टाइम स्लॉट बुक करने के बाद में आप और सिर्फ आपकी कुंडली पर बात करेंगे, जो भी आपकी समस्याएं होगी, जो भी आपकी कामनाएं होंगी, या जो भी आप अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक ही कर्म करना है, वो है टाइम स्लॉट बुक करना है। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।